हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हमारे चैनल पर। जैसा कि वादा किया गया था कि आपको सब्जेक्ट वाइज सीसैट यानी कि जीएस पेपर 2 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा, तो आज से हम लोग इंग्लिश का क्रैश कोर्स यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। जनरल इंग्लिश का पूरा क्रैश कोर्स आपको करवाएंगे। यूपीपीसीएस ने जितना भी हमको लिख करके दिया है सिलेबस में चैप्टर, इन सब सारे चैप्टर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। यूपीपीसीएस के पेपर्स की एनालिसिस ऑलरेडी डाली जा चुकी है सब्जेक्ट वाइज सीसैट की, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आप देखोगे जब नोटिफिकेशन आया था यूपीपीसीएस 2018 का प्रीलिम्स का, वैसे तो प्रीलिम्स मेंस दोनों का एक साथ आता है, तो उन्होंने सीसैट के लिए यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 2 के लिए जो सिलेबस छापा है उसमें जनरल इंग्लिश के लिए लिखा है अप टू क्लास 10th लेवल। यूपी बोर्ड में जो क्लास 10th लेवल का सिलेबस है एग्जैक्टली सेम टू सेम उन्होंने कॉपी करा है। तो क्लास 10th में यूपी बोर्ड में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो हमको इतनी पढ़ लेनी है कि हम वो जा करके पेपर सॉल्व कर सकें काफ़ी आसानी से। ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाने वाले हैं और ये क्रैश कोर्स चाहे जितनी देर में ख़त्म हो, अगर आपने इसको पूरा कर लिया तो यकीन मानिए जितने भी 17 से लेकर 20 या फिर कहूँ मैं 15 से लेकर 23 जो भी आंकड़ा रहा है अभी तक इंग्लिश के क्वेश्चन आने का सी सैट पेपर में, आप इन सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाने वाले हैं। तो सिलेबस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली, फिर अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, मेजर पार्ट यही होता है। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लेने के लिए, समझने के लिए हमको ये सारे नीचे के पार्ट कवर करने पड़ते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 कन्फर्म आता है, 2 आ सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच से केवल और केवल 1 क्वेश्चन आता है, जबकि यही सबसे ज़्यादा जो चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है जिससे आप अच्छे से अपना कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकें और बाकी की अपनी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कर सकें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, हम सेंटेंसेस आपको पढ़ाएंगे पर्पस के हिसाब से, जो स्ट्रक्चर बनते हैं सेंटेंस के यूपी बोर्ड की किताब में जो गिवन है उससे क्वेश्चन आता है। 1 क्वेश्चन इससे आता है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, डायरेक्शन दिया रहता है और आपको ऑप्शन में से चूज करना पड़ता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हम बोल सकते हैं इसको, ये इससे 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से बहुत डीपली, जिससे आप यूपीपीसीएस सीसैट लेवल का और यहाँ तक कि एसएससी मेंस लेवल तक का क्वेश्चन भी कर लेंगे, क्योंकि रूल्स एक ही होते हैं, बस समझने वाली बात होती है। पंक्चुएशन स्पेलिंग से 1 क्वेश्चन आता है, जनरली स्पेलिंग से ही ज़्यादातर आते हैं, स्पेलिंग से पूछा गया था, स्पेलिंग आपको गलत दे देता है, आपको सही बतानी पड़ती है या फिर 4 ऑप्शन में से 1 गलत वाली स्पेलिंग चूज करनी पड़ती है। वर्ड मीनिंग्स और वोकैबलरी यूसेज ये एक ही मान सकते हैं हम लोग, इसमें आपको इंग्लिश के वोकैबलरी पता होने चाहिए। हम आपको करीब करीब 500 से 600 वोकैबलरी ऑप्शन मिला के अगर बात कर लें तो 1000 वर्ड्स आपको करीब याद करवाने वाले हैं अच्छे से एग्जाम्पल वगैरह दे के, उनका हिंदी मीनिंग समझा के, जिससे आप इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, जिनकी संख्या 1 से 2 रह सकती है 17 या 20 में से। idioms एंड phrases की अगर हम बात कर ले तो इससे केवल और केवल 1 क्वेश्चन आएगा, fill in the blanks से 1 क्वेश्चन कन्फर्म आता है। तो ये कुल मिलाकर हमारा स्ट्रक्चर रहता है हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने का। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं पहला चैप्टर इससे लेने वाला हूँ, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच, इधर से पार्ट ऑफ स्पीच हम इसमें कवर करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के भी कई सारे अंग निकल करके आएंगे, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजेक्शन, इन सबको पढ़ना इसलिए जरूरी है जिससे आपका कॉम्प्रिहेंशन मजबूत हो सके। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इससे केवल और केवल 1 ही देखने को मिलेगा। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सो पार्ट ऑफ स्पीच में पहला डिवीजन हम लोग लेंगे, नाउन के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि नाउन है क्या। नाउन हमेशा आपने बचपन में पढ़ा होगा किसी ना किसी बोर्ड में, किसी ना किसी, आप हिंदी मीडियम से में तब भी आपने बचपन में नाउन तो पढ़ा ही होगा। नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग आपको याद आ रहा होगा, तो जो आपको रटवाया गया होगा जो पर्सन प्लेस और थिंग बताता है वो चीज़ नाउन है। पर्सन प्लेस थिंग को हम क्या कह सकते हैं, पर्सन प्लेस थिंग को अगर मैं एक नेम बोलूँ, तो अगर मैं नेम बोल दूँ इन सबको, क्योंकि पर्सन प्लेस थिंग के अपने नेम होते हैं, तो नेम बताने वाला वर्ड ही नाउन होता है अगर मैं ये बोलूँ, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड करके आप याद कर सकते हैं। डायरेक्टली बिल्कुल नहीं आना है क्वेश्चन, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपको समझाने के लिए कि नाउन क्या है। नाउन नाम देने वाले शब्द होते हैं, वो शब्द जो किसी को नाम देते हैं वो होते हैं संज्ञा के शब्द, या फिर इंग्लिश में नाउन बोलेंगे इनको हम लोग। इनके टाइप्स पर बात करना, आप जल्दी से शुरू करते हैं। इनके टाइप्स पर आने के पहले इनका मेजर डिवीज़न देख लेते हैं क्या होता है। नाउन का मेजर डिवीज़न हम अगर नंबर के हिसाब से बात कर लें तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल बनता है, कि क्या नाउन काउंटेबल है या नहीं है। काउंटेबल का मतलब जिसकी गणना की जा सकती है या फिर अगणित है या फिर जिसकी गणना नहीं की जा सकती है।
तो काउंटेबल नाउन्स कौन कौन से होते हैं, उनको नंबर के साथ कंबाइन कर सकते हो आप। यानी कि अगर पेंसिल है एक नाउन, तो आप उसके पीछे वन लगा सकते हैं। आप एक पेंसिल, दो पेंसिल, तीन पेंसिल गिन सकते हैं। आप एक लैपटॉप, दो लैपटॉप, तीन लैपटॉप गिन सकते हैं। आप एक पेन, दूसरा पेन, तीसरा पेन गिन सकते हैं। तो ये सारे आ जाएंगे काउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन की बात अगर हम कर लें, तो हम इनको नंबर के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। हम एक पानी, दो पानी, हम एक मक्खन, दो मक्खन, तीन घी, चार तेल, ये नहीं गिनते हैं। हम एक कोयला, दो कोयला नहीं गिनते हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि गिनते तो हैं, हम लोग खरीद कर लाते हैं हमेशा गिन के, तो आप हमेशा पानी नहीं गिनते हैं, आप पानी की क्वांटिटी गिनते हैं, ठीक है। आप पानी की बोतल गिनते हैं, आप पानी का जग गिनते हैं, पानी के लीटर्स गिनते हैं, पानी को नहीं गिनते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में बैठा लीजिए। आप बटर खरीद करके लाते हैं, तो आप बटर की क्वांटिटी गिनते हैं कि वो 500 ग्राम है कि हाफ किलो है कि एक किलो है। आप कोयला खरीदते हैं, तो 10 किलो या फिर 20 किलो ऐसे खरीदा जाता है, तो कोयले की क्वांटिटी की गिनती होती है, ना कि कोयले की। इस पर आप डिटेल समझ पाएंगे जब हम लोग एडजेक्टिव पर आएंगे। अच्छा, एक बात मेरी ध्यान रखिएगा कि जो लोग वैसे तो जिन लोगों ने इंग्लिश पढ़ी होगी बेसिक, उनको नहीं इतना कठिनाई होगी। जो लोग बिल्कुल हिंदी मीडियम से हैं, वो मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। मैं कुछ जो बातें आपको नाउन में बताऊंगा एडजेक्टिव के बारे में, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो आपको वर्ब के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पार्ट ऑफ स्पीच के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि लोग जनरली समझ नहीं पाते, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच एक दूसरे से काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। तो इंटरकनेक्शन तभी बनेगा जब आप नाउन खत्म करके, एडजेक्टिव खत्म करके, वर्ब खत्म करके, प्रोनाउन खत्म करके, चार पांच चीज़ें खत्म कर चुके होंगे, तब आपको पार्ट ऑफ स्पीच का अच्छा ज्ञान हो पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस आवश्यक है यहाँ। तो अगर हम अनकाउंटेबल नाउन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, हमको स्पेशल फ्रेज लेना पड़ेगा उसके लिए, जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तब हमको पता चलेगा कि एक पानी का गिलास है। अनकाउंटेबल और अकाउंटेबल, एक ही नाउन एक समय पर या फिर अलग अलग सिचुएशंस में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है, ठीक है। जैसे हेयर जो है, हेयर हमारा अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है और इसका काउंटेबल भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये सिचुएशन अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी के शर्ट में हेयर लगे हुए हैं, बाल गिरे पड़े हैं, तो वो वहाँ पर अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल हो सकता है, क्योंकि गिने जा सकते हैं शर्ट पर कितने बाल लगे हुए हैं, 5, 6, 10 कितने भी। आपके बाल अच्छे लग रहे हैं तो बाल गिने नहीं जा सकते। अगर किसी के सर के बाल अच्छे लग रहे हैं, तो हम उनकी गिनती नहीं कर सकते, हम कहेंगे कि आपके बाल अच्छे लग रहे हैं कुल मिला करके। तो यहाँ पर हम हेयर स्टाइल के बारे में बात करते हैं। ये सब चीज़ें हम एडजेक्टिव में और डीपली पढ़ेंगे। अब हम नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। नाउन का प्लूरल जनरली SEIS लगाकर बनाया जाता है, ठीक है। कार में आप कार्स लगा देंगे तो पता लगेगा कि एक से ज़्यादा कार है। टू कार्स लिख देंगे तो मतलब दो कार हैं। थ्री कार्स लिख देंगे तो इसका मतलब तीन कार हैं, ठीक है। एक हैट है, उसके आगे आप एस लगा देंगे तो हैट्स बन जाएगा। लेकिन कन्वर्जन यहाँ पर और भी अलग अलग होता है। जैसे मैं बोलूँ आपको, जैसे मैडम का है तो आप क्या बनाएंगे, मैडम का प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसको बनाते हैं मैडम्स, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं। तो थोड़ा सा रेयर केसेस है, ये बहुत हाई लेवल में आता है, सीसेट में कभी इतना रेयर केस तक नहीं पहुंचाते हैं, तो हम इनको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। फिर भी आपको कुछ इररेगुलर फॉर्म दिखा देते हैं। जैसे मैन का मैंस नहीं बनता है, मैन बनता है, ठीक है। वुमेन का वुमेन्स नहीं बनता है, वुमेन बनता है। चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं बनता है, चिल्ड्रन बनता है। माउस का माइस बनाते हैं हम। टूथ का टीथ बनाते हैं प्लूरल। टूथ का मतलब एक दांत, टीथ का मतलब हमारे दांतों की जो बत्तीसी होती है। गूस का बनाते हैं गीस, ना कि गूजेस। और फुट्स नहीं बनाते हैं, फीट बनाते हैं। और ऑक्स को ऑक्सस नहीं, ऑक्सन बनाते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी चाहिए। लिस्ट काफ़ी और भी लंबी बन सकती है, बहुत रेयर रेयर वाले में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। ये होते हैं फॉरेन प्लूरल। ये क्या होते हैं, फॉरेन प्लूरल। इनको फॉरेन प्लूरल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अलग अलग भाषाओं से जाकर के इंग्लिश में शामिल हो जाते हैं। जैसे एनालिसिस है, तो एनालिसिस का जब प्लूरल बनाएंगे तो एनालिसिस बनाएंगे, ठीक है। ये इररेगुलरिटी आप देख रहे होंगे, इसको हमने ना इस तरीके से बनाया है, ना इस तरीके से बनाया है, ना खाली एस लगा के बनाया है, तो इसमें थोड़ी सी इररेगुलरिटी आपको देखने को मिल रही होगी। अपेंडिक्स में एस लगा करके नहीं बनाते हैं इसका प्लूरल, ठीक है। इसमें ई एस लगा कर बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो चल रहा है इसका प्लूरल वो है अपेंडिसिस, ठीक है। उसी प्रकार से एक्सिस का एक्सेस बनाते हैं, आई की जगह ई लगा देते हैं इधर। बेसिस का बेसिस बनाते हैं, कैक्टस का बनाते हैं कैक्टाई, और क्राइटेरियन का बनाते हैं क्राइटेरिया, और डेटम का बनाते हैं डेटा, ठीक। उसी प्रकार से डायग्नोसिस बनता है डायग्नोसिस, और इंडेक्स बनता है इंडेक्सिस या इंडिसिस। मीडियम बनता है मीडियम्स या मीडिया। ओआसिस बनता है ओआसिस,
ऑक्टोपस बनता है ऑक्टोपसस या ऑक्टोपाई, और फिनोमिनन बनता है फिनोमिना, सिलेबस बनता है सिलेबी, और थीसिस बनता है थीसिस। तो ये थोड़ा मेजर केसेस चाहें तो एक बार ध्यान में रख सकते हैं, आने की संभावनाएं काफ़ी कम है। जो चीज़ आने वाली है उनको बताएंगे हम। अब नाउन जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनका सिंगुलर नहीं बना जा सकता, ये इसका यूज़ आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं क्योंकि वो अपनी बनावट में, अपने इनहेरेंट में ही वैसे ही होते हैं, अपने इनहेरेंट नेचर की वजह से हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है, जीन्स की बनावट कैसी होती है, उसमें दो पैर बने होते हैं ना, तो हमेशा उसको प्लूरल में यूज़ करते हैं। ठीक है, जीन्स हो गया, ट्राउजर्स भी आप मान सकते हैं, ये भी हमेशा प्लूरल में ही आएगा। और ग्लासेस, ग्लासेस हम यहाँ पर कांच की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऐनक की। हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐनक की बात कर रहे हैं, उसमें दो शीशे होते हैं, अपने इनहेरेंट नेचर की वजह से ये हमेशा इंग्लिश में लिखा जाएगा तो प्लूरल फॉर्म में, इसके साथ वर्ब लगेगी प्लूरल के जैसे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शी हैज़ गॉट हर न्यू ग्लासेस, और इस प्रकार से जीन्स के लिए लिखा हुआ है वेयर आर माई जीन्स। अगर कहीं भी आपको सेंटेंस में दे दे कि वेयर इज़ माई जीन्स, तो ये गलत हो जाएगा, और ना जीन्स को जीन लिख सकते हैं। ठीक है, ग्लासेस को आप ग्लास नहीं लिखेंगे, ट्राउजर्स को आप ट्राउज़र नहीं लिखेंगे। ठीक है, ट्राउज़र जहाँ पे लिखा है वो गलत है, क्या होता है, ट्राउज़र्स होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसी प्रकार से सीजर्स, जैसे दीज सीजर्स, हमने सीजर्स के साथ क्या लिया है प्रोनाउन, या फिर कह सकते हैं एडजेक्टिव क्या लिया है, तीज लिया है। ठीक है, दीज सीजर्स डोंट कट वेल। उसी प्रकार से और भी होते हैं, जैसे एक टोंग्स होता है, तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। मेजर यही वाले जो है, इनसे एरर बनाता है एसएससी और बाकी एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात ये आती है कि सीजर्स, जीन्स, ग्लासेस, हम इनका प्लूरल में ही इस्तेमाल करते हैं, तो पता कैसे लगेगा कि कितना प्लूरल है, एक से अधिक है, तीन है, चार है, तीस है, 3000 है, तो कितना है, कैसे पता चलेगा, हम इनके लिए अलग से यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमको बोलना है कि दो जीन्स हैं, तो हम बोलेंगे अ पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, यानी मैंने जीन का एक जोड़ा खरीदा है, आई हैव ब्रॉट टू पेयर्स ऑफ जीन्स, मैंने जीन्स के दो जोड़े खरीदे हैं, ऐसे हमको अलग से बताना पड़ेगा। ठीक है, और जो एग्जाम्पल हैं, बाइनोकुलर्स, ये भी हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं, हेडफोन्स, ये हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं, पजामास, ये हमेशा प्लूरल में, स्केल, शॉर्ट्स, टाइट्स, ट्राउजर्स, हमेशा प्लूरल में आएंगे ये, इनका सिंगुलर कभी नहीं बनता है। अब नाउन्स जो कभी सिंगुलर फॉर्म में नहीं यूज़ की जाती हैं, जैसे कि कैटल है, मतलब ये लगती तो सिंगुलर की तरह है, लेकिन इनमें नहीं यूज़ होता है, इनको सिंगुलर की तरह नहीं यूज़ करते हैं, लग तो रही है, देखो कैटल लग रहा है, इसमें ना एस लगा है ना ई एस लगा है, लेकिन हमेशा ही जाएगा प्लूरल फॉर्म में, जैसे कि मेल कैटल आर कॉल्ड बुल्स। ठीक है, और क्लोथ्स है तो आई ही बॉट सम न्यू क्लोथ्स यस्टरडे। ठीक है, वेजेस में अगर हम देखें तो द वेजेस आर पेड ऑन द लास्ट ऑफ द मंथ, लेकिन एक कहावत है द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ऐसा करके है, तो उस केस में, यानी कि इस पर्टिकुलर कहावत में वेजेस के साथ हम इज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वेजेस को सिंगुलर मान रहे हैं, जबकि वेजेस यहाँ पर वो तनख्वाह वाला नहीं है, यहाँ पर वेजेस का मतलब है कि आपका परिणाम। ठीक है, ये है यहाँ पर, तो इस फ्रेज के लिए खाली वेजेस जो है सिंगुलर फॉर्म में आएगा, अन्यथा कहीं भी वेजेस लिखा है तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, ये बता दिया आपको हमने। फिर भी हम जानते हैं कि सीसैट में इस तरीके से नहीं क्वेश्चन आते हैं, आपको एक क्वेश्चन देता है, इतना छोटा सेंटेंस देता है, एक अंडरलाइन कर देगा, क्लोथ्स ऑप्शन दे रहे हैं 4, आपसे पूछेगा पार्ट ऑफ स्पीच का ये कौन सा हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोथ्स एक नाउन है, बस इतना सा। ठीक है, फिर भी हम डीपली स्टडी कर रहे हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पढ़ने में आपको आसानी रहे, आप प्रीपोजिशन वगैरह पढ़ें तो आपको आसानी रहे। पुलिस हमेशा जो है उनके साथ आर यूज़ करते हैं। ठीक है, पुलिस आर कमिंग। ठीक है, और पीपल जो है ये दो मीनिंग कैरी करता है, जैसे दे आर फ्रेंडली पीपल है तो इसका मतलब है लोग, पीपल का मतलब लोग, लेकिन जब भी पीपल्स का मतलब आता है तो हम ये अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं द नेटिव्स ऑफ अफ्रीका, तो अफ्रीका तो कॉन्टिनेंट है, पीपल्स का मतलब हो गया अफ्रीका के अंतर्गत आने वाली अलग अलग कंट्रीज़ के लोग, तब यूज़ करेंगे पीपल्स, समझ गए, पीपल का मतलब लोग और पीपल्स का मतलब अलग अलग देशों से आने वाले लोग, तो ये आपको बताना था इसमें। जब हम किसी की नेशनलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, यानी कि हम दूसरे देश के लोगों के बारे में बात करते हैं, तो एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी द ब्रिटिशर्स लिखा होगा वो गलत होगा। ठीक है, या तो केवल ब्रिटिशर्स लिखा हो,
बिना आर्टिकल के साथ, तो माना जाएगा कि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर द ब्रिटिश कहीं पर लिखा है तो उसका मतलब है ब्रिटिश लोग, उसका मतलब है ब्रिटिश लोग। उसी प्रकार से फ्रेंच है तो इसमें फ्रेंच लोग, तो इस प्रकार से काम करेगा। सिंगुलर अगर हमको बनाना है, ग्रीस का सिंगुलर बनाना है, मान लीजिए हमको बनाना है कि इसका फिर सिंगुलर क्या होगा, ब्रिटिश लोग का सिंगुलर क्या होगा, तो बना देंगे इसका इंग्लिश मैन। ठीक है, इंग्लिश मैन नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है, ठीक है, जिनका प्लूरल आप नहीं बनाते हैं। अगर गलत सेंटेंस देगा आपसे सही करने को तो इनका जानबूझकर प्लूरल बना के दिया जाता है। फ्रूट का फ्रूट्स लिखेंगे, हेयर का हेयर्स लिखेंगे, ठीक है, और फर्नीचर का फर्नीचर्स लिखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके आगे जब कभी भी एस नहीं लगेगा, ठीक है। शी ब्रॉट न्यू फर्नीचर लास्ट वीक, ठीक है। वुड यू लाइक सम फ्रूट, फ्रूट्स नहीं होगा, ठीक है। फ्रूट्स अगर लिखा है सेंटेंस में तो गलत है। और एग्जाम्पल क्या है, लगेज, लगेज कभी भी लगेजेस नहीं होता है, ज्वेलरी कभी भी ज्वेलरीज नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इनकी इनकी इनका इनहेरेंट नेचर ही ऐसा है कि अपने आप में प्लूरल होते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें केला भी होगा, सेब भी होगा, अंगूर भी होगा। अगर हम लगेज की बात कर ले रहे हैं तो इसमें सूटकेस भी होगा, आपकी अटैची भी होगी, आपका झोला भी होगा। इसमें फर्नीचर की बात कर ले रहे हैं तो इसमें बेड भी हो सकता है, सोफ़ा भी हो सकता है, कुर्सियाँ, मेजें और स्टडी टेबल भी हो सकती है। तो जब भी फर्नीचर लिखेंगे तो अपने आप पता है हमको, ठीक है, कि ये प्लूरल है। लेकिन हम इनको बताएंगे नहीं कि फर्नीचर्स है, कि फ्रूट्स है, कि हेयर्स है, ठीक है। इनको ऐसे ही लिखा जाएगा, इनको सिचुएशन के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल माना जाएगा। समझ गए आप, हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। बढ़ते हैं आगे हम लोग कि कुछ ऐसे जिनके आगे एस लगा होता है लेकिन होते हमेशा सिंगुलर हैं, ठीक है, होते हमेशा सिंगुलर हैं। जैसे न्यूज़ है तो अगर एस लगाए तो हम क्या मान के चलते हैं, मतलब जनरल में हम इन जनरल मान के चलते हैं अगर किसी नाउन के आगे एस लगाए तो प्लूरल है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल हैं, जैसे न्यूज़, न्यूज़ का मतलब है हमेशा सिंगुलर। हेयर इज़ द न्यूज़, हमने हेयर आर द न्यूज़ नहीं लिखा, ठीक है, लिखते तो गलत हो जाता। तो गुड इवनिंग, हेयर इज़ द न्यूज़। फिजिक्स, तो फिजिक्स है ये सब्जेक्ट है तो इसको हमेशा सिंगुलर में लिया हमने। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस इसको भी हमने सिंगुलर में लिया। प्रोग्रेस वॉज मेड, प्रोग्रेस वर मेड यहाँ पर हमने नहीं लिखा। प्रोग्रेस वॉज मेड इन डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। द यूनाइटेड स्टेट्स जो है, ये भी एक वर्ड ले सकते हैं हम, ये कंट्री का नाम है। हाँ, द यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री है, ठीक है, हम इसको प्लूरल में नहीं लेते हैं। तो इज़ अ कंट्री विथ 50 फेडरल स्टेट्स, तो हमने इसके साथ इज लगाया, ना कि आर। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे एथलेटिक्स, इसके साथ भी हमेशा आप इस लगाओगे, बिलियार्ड्स के साथ भी इस लगाओगे, क्रॉस रोड्स के साथ भी इस, डार्ट्स के साथ भी इस, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और बीमारियों के नाम जैसे मीजल्स, मम्प्स और सीरीज जो है, इसके साथ भी इस लगाएंगे, इस लगाएंगे हम, और पॉलिटिक्स के साथ भी इस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। जिमनास्टिक्स भी एक स्पोर्ट्स का नाम है तो इसके साथ भी हम लोग इस लगाएंगे। स्पेशल नाउन कौन कौन सी होती हैं जो कि हमेशा सिंगुलर में यूज़ की जाती हैं और उनके आगे कभी भी इस नहीं लगाते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशंस कभी नहीं लिखते हैं, इनका प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, और नॉलेजेस कभी नहीं लिखते हैं, होमवर्क्स कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। एडवाइस, एडवाइसेस कभी नहीं होता है, डैमेजेस कभी नहीं होता है, और वर्क्स कभी भी नहीं होता है, ठीक है। कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसी होती हैं, अभी हम नाउन के बारे में बात करेंगे, कलेक्टिव और उनके टाइप्स के बारे में, अभी सिंगुलर प्लूरल से निपटने के बाद। कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसी होती हैं जब हम उनको एक ग्रुप के रूप में देखेंगे, एक ग्रुप के नज़रिए से देखेंगे तो हम उनको सिंगुलर देखेंगे, ठीक है। और जब उस पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन के पर्सन्स को अलग अलग बिखरा हुआ देखेंगे, अलग अलग काम करता हुआ देखेंगे, तो उनके साथ प्लूरल यूज़ करेंगे, ठीक है, उनको प्लूरल की तरह मानेंगे। ये डिपेंड करता है सेंटेंस में, अगर कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में ये चीज़ आए तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट यूज़ इसका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, फैमिली इज़ ऑन हॉलीडे, हम लोग जब भी किसी भी सिचुएशन में फैमिली को इज एक ग्रुप के रूप में देखेंगे कि सभी लोग एक साथ हैं, एक मत से हैं, तो वो इज हैं, यानी कि वो फैमिली, उसको हम सिंगुलर मान रहे हैं। लेकिन फैमिली के लोग अगर सूटकेस पैक कर रहे हैं अलग अलग अपना अपना, तो हम उनको आर मान रहे हैं, कि उनको बिखरा हुआ मान रहे हैं, उनके अलग अलग काम करते हुए उनको देख रहे हैं, ठीक है। तो इज और आर दोनों ही सिचुएशन हमने ली है फैमिली के साथ, दोनों ही सही हैं अलग अलग सिचुएशन में।
और कौन कौन से नाउन्स हो सकते हैं जो कि अलग अलग सिचुएशन में सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकते हैं, वो हैं आर्मी, बैंड, कॉयर, इसको कॉय बोलते हैं, ये आर साइलेंट रहता है, ठीक है, स्पेशल तरीके से प्रोनाउंसिएशन है इसका, क्लब, क्रू, कंपनी, फर्म, गैंग, गवर्नमेंट, ऑर्केस्ट्रा, पार्टी और स्टाफ। सो इनकी लिस्ट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अलग अलग सिचुएशंस में सिंगुलर और प्लुरल दोनों होंगे और कभी भी इनका यूज़ गलत नहीं होगा, इज और आर इनके साथ लग सकता है, ठीक है। हमने आपको उतनी चीज़ें बताई हैं जो बिल्कुल इनफ हैं, कभी कभी थोड़ी सी ऊपर भी हैं इनफ से ज़्यादा, लेकिन आपको हेल्प करेंगी एट द एंड ऑफ द डे। प्रॉपर नाउन्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला टाइप है हमारा नाउन्स का, अब है प्रॉपर नाउन्स, इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर जैसा कि नाम में ये प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है स्पेसिफिक, स्पेशल, जैसे कि डेज ऑफ द वीक, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। मंथ्स हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, आपका खुद का नाम एक प्रॉपर नाउन है। अब लोग कहेंगे कि कुछ लोगों के नाम एक जैसे होते हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ ज्ञान है कोई और कोई अजीत है, तो ज्ञान और अजीत नाम के तो बहुत सारे लोग होते हैं अभी, पर आप ढूंढ लीजिए इसको सर्च करके, हजारों सर्च रिजल्ट मिल जाएंगे, इसको ढूंढ लीजिए आपको हजारों सर्च रिजल्ट मिल जाएंगे, कभी कभी तो सरनेम के साथ भी मिल जाएंगे। अब बात यह है कि एक अजीत अपने आप में अलग है, एक अजीत अपने आप में अलग है, पर्सन का नाम एक जैसा हो सकता है, लेकिन दोनों तरह की, दोनों जो अजीत होंगे, दोनों पर्सन होंगे, उनकी क्वालिटीज़ बिल्कुल अलग अलग होंगी। सेम प्रकार से ज्ञान कोई अलग पर्सन होगा, उसकी अलग क्वालिटीज़ होंगी, कोई अलग ज्ञान होगा, उसकी अलग क्वालिटीज़ होंगी, तो ऐसा नहीं है। प्रॉपर जो भी आपका नाम है वो प्रॉपर नाउन में आता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा कि दो लोगों के नाम एक जैसे होते हैं तो क्या वो कॉमन नाउन होते हैं, नहीं। कॉमन नाउन हम डिस्कस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। कंपनीज़ के नाम आप ले लीजिए, अमेज़ॉन, कोका कोला, गूगल। कंट्रीज़ के नाम आप ले लीजिए, कोई भी एक नाम ले लीजिए जो अपने आप में स्पेसिफिक है, वो है प्रॉपर नाउन। ये वीडियो बन रहा है डेल के लैपटॉप से, तो डेल है एक प्रॉपर नाउन। मैं लिख रहा हूँ वैकॉम के टैब से, तो वैकॉम है प्रॉपर नाउन। मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ सैमसन का, तो सैमसन है प्रॉपर नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन भी इसी में बता देते हैं आपको, बहुत आसान है, हम कॉमन तरह की चीज़ों को एक साथ कर दें, ठीक है। मैंने डेल के बारे में बात की, तो डेल क्या है, एक लैपटॉप है, लैपटॉप है, लैपटॉप क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। वैकॉम क्या है, एक पेनटैब है, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। सैमसंग क्या है, एक माइक है, एक यूएसबी माइक है स्पेसिफिकली बोलें तो ये हो गया एक कॉमन नाउन, ठीक है। जो ये आपके ग्रीन से लिखे हुए हैं, ये अपने आप में ही कॉमन नाउन हो गए, ये सारे क्या हो गए, ये कॉमन नाउन हो गए। मंथ्स क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। कंपनी क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई। कंट्री क्या हो गई, कॉमन नाउन। टाउन क्या हो गया, कॉमन नाउन। जिस भी ऐसे नाउन के अंतर्गत आप स्पेसिफिकेशंस दे सकें, वो हमेशा कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बॉय बोलूं तो इस संसार के सारे बॉयस आ जाएंगे, अगर मैं फीमेल बोलूं तो संसार की सारी महिलाएं आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैं सब्जेक्ट बोलूं तो संसार के सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। अगर मैं कलर बोलूं तो संसार के सारे कलर आ जाएंगे, ब्लैक, वाइट, ब्लू, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। जब मैंने कलर बोला तो कलर एक कॉमन नाउन रहा, जब मैंने ब्लैक वाइट लिखना शुरू किया तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो ये है प्रॉपर और कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है, उतना ही सिंपल रखिए इसको। तो कॉमन नाउन हमेशा नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और आइडियाज़ को कन्वे करता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। कलेक्टिव नाउन के बारे में बात कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन हमेशा ग्रुप को रिफर करेगा, ठीक है। वो ग्रुप किसका रहेगा, ग्रुप किसका रहेगा, ग्रुप रहेगा वो कॉमन नाउन्स का, ठीक है। कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन दोनों का हो सकता है ग्रुप, ठीक है। अगर मैं ऑडियंस बोलूं तो ऑडियंस में लोग आते हैं, ठीक है, वो फीमेल और मेल दोनों हो सकते हैं। बैंड किसका होता है, म्यूजिशियंस का होता है। क्लास किसकी होती है, स्टूडेंट्स की होती है। क्लास किसकी बनती है, स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। एक स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं राजू, तो राजू है प्रॉपर नाउन। तो ये आपको तीनों की रिलेशनशिप समझ में आई होगी, ठीक है। फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, कई फीमेल, कई मेल, कई छोटे बच्चे, तो ये कलेक्शन है लोगों का। ग्रुप हर्ड, हर्ड किसका होता है, कैटल का होता है, जानवरों का। टीम किसकी होती है, प्लेयर्स की होती है। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन नाउन्स का जब हम लोग ग्रुप बना देते हैं तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हर चीज़ का हिंदी रूपांतरण नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इंग्लिश पढ़ने का, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें इंग्लिश में ही रही है। आवर क्लास वेंट टू द म्यूजियम टुडे,
द ऑडियंस क्लैप्ड वाइल्डली एट द एंड ऑफ द प्ले। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस में यूज देखने को इसका मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स का यहाँ पर हमको दिखा देते हैं, नहीं पता होता है लोगों को। अ बैच ऑफ पीपल्स होता है, शिष्यों के समूह को बोलते हैं बैच, ठीक है। और हमें बोर्ड एग्जामिनर्स के समूह को क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं। और मित्रों की मंडली को बोलते हैं सर्किल, फ्रेंड सर्किल। और कारों के समूह को क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। लकड़ी के गट्ठर को पाइल बोलते हैं, पशुओं के झुंड को हर्ड। और नर्तकों की मंडली को ट्रूप बोलते हैं, हंसोड़ों के समूह को पील बोलते हैं, ठीक है। और अब मटेरियल नाउन के बारे में बात कर लेते हैं। मटेरियल नाउन क्या होते हैं कि मटेरियल के बारे में बात करते हैं। अब मटेरियल से कुछ लोग कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा क्योंकि ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, ना ना ना, क्योंकि गोल्ड से जो ज्वेलरी बनेगी, गोल्ड से क्या बनती है, ज्वेलरी बनती है। तो गोल्ड अपने आप में एक फाइनल प्रोडक्ट या फिर फाइनल नाउन नहीं है, ठीक है। मटेरियल नाउन वो चीज़ें होती हैं जिनसे हम कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन बनाएंगे, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ज्वेलरी एक कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ज्वेलरी से आपने जो रिंग बनाई वो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिए इसको। उसी प्रकार से घी है, घी से आप पकवान बनाते हैं, तो जो पकवान बनेगा घी से वो होगा आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। घी क्या है, मटेरियल नाउन है। सिल्वर क्या है, मटेरियल नाउन है। सिल्वर से जो पायल या पाजेब बनेगी वो होगी प्रॉपर नाउन, ठीक है। कॉफ़ी से जब आप कॉफ़ी बनाएंगे, कॉफ़ी बनाएंगे दूध वगैरह डाल के, तो वो होगी प्रॉपर नाउन। टी से आप जब आप पीने वाली टी बनाएंगे तो वो होगी प्रॉपर नाउन, अदरवाइज मटेरियल नाउन है। ये सारी क्या है, मटेरियल नाउन है। आई होप आपको मटेरियल नाउन समझ में आया होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन के बारे में बात करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है इसको देख नहीं सकते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख नहीं सकते, हमेशा फील करेंगे इसको, महसूस करेंगे, ठीक है, महसूस करेंगे। अभी महसूस करवाते हैं आपको। आप किसी की ईमानदारी क्या देखते हैं, नहीं, आप हमेशा ईमानदार व्यक्ति को देखते हैं, कभी उसकी ईमानदारी नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ऑनेस्टी को आप देख नहीं सकते, ऑनेस्टी को हमेशा फील कर सकते हैं। प्राइड, आप गर्व महसूस करते हैं हमेशा, ठीक है। गर्व आप देखते नहीं कि गर्व कैसा दिख रहा है, काला है, गोरा है, लंबा है, मोटा है, आप हमेशा गर्व को महसूस करते हैं। आप किसी की समझदारी को महसूस करते हैं, आप अपने मन में सोचते हैं कि वह व्यक्ति कितना समझदार है, ठीक है। समझदार दिखता है व्यक्ति, समझदारी नहीं दिखती है, ठीक है। तो विजडम का मतलब है समझदारी। तो आप हमेशा बच्चे को देखते हैं, आप हमेशा चाइल्ड को देखते हैं, चाइल्डहुड को नहीं देखते हैं। चाइल्डहुड को तो महसूस करते हैं, चाइल्डहुड तो महसूस करने वाली चीज़ है, बचपन, ठीक है। ह्यूमैनिटी, आप ह्यूमंस को देखते हैं, लेकिन इंसानियत देखी नहीं जाती, इंसानियत महसूस करी जाती है, फील करी जाती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, इसमें भावों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सिंपल। अब हम आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा रिविजन हो सके। यहाँ पर लंदन लिखा हुआ है, लंदन क्या है, लंदन एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। कैपिटल क्या है, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि कैपिटल में तो बहुत सारी कैपिटल आ जाएंगी। इंडिया की कैपिटल दिल्ली आ जाएगी, चाइना कैपिटल बीजिंग आ जाएगी, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका आ जाएगी। इंग्लैंड जो है ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि एक इंग्लैंड जैसा है वैसे दूसरा इंग्लैंड नहीं है। सोल्जर्स क्या है, ये आपका कॉमन नाउन हो गया, सॉरी, जी हाँ, सोल्जर्स क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। और ब्रेवरी क्या हो गई, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। जूरी क्या है, जूरी ये हो गई हमारी कलेक्टिव नाउन हो गई। जूरी क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन। ओपिनियंस में डिवाइड थे तो हमने इनके साथ वर यूज कर लिया है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। और अगर बोलते कि द जूरी यूनिनमसली कंक्लूडेड देयर ओपिनियन, अगर हम बात कर रहे होते कि जूरी ने जो है एकमत से अपना फैसला सुरक्षित किया है, तो हम लिखते द जूरी हैज, तो हम उसके लिए हैव ना यूज़ करते, ठीक है, क्योंकि जूरी एक साथ काम कर रही है, जूरी के जितने मेंबर हैं वो एक जैसा सोच रहे हैं किसी फैसले के बारे में, ठीक है। अब अपने ओपिनियन में डिवाइड हो रहे हैं तो हम जूरी को नहीं, जूरी को एक एक संस्था के रूप में, एक निकाय के रूप में नहीं, अलग अलग सदस्यों के रूप में देख रहे हैं, समझ में आया होगा आपको वर और वॉस का यहाँ पर डिफरेंस जूरी के साथ। आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड क्या है, ये हमारा मटेरियल नाउन है, मटेरियल। सिल्वर क्या है, ये भी मटेरियल नाउन है। पेन क्या है, ये आपका कॉमन नाउन है। अगर मैं बोलता रेनॉल्ड्स का पेन तो ये प्रॉपर नाउन होता। टेबल क्या है, कॉमन नाउन। संदीप क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो आई होप आपको अब पहचानना आ गया होगा, आप देखते ही बता सकते हैं आप सेंटेंस में किस तरह का नाउन है कोई। नाउन्स के बाद अब हम बात कर ले रहे हैं प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है। प्रोनाउंस यानी कि आपका हो गया सर्वनाम जिसको बोलते हैं।
इंग्लिश में, ठीक है। तो प्रोनाउंस जैसे हम सर्वनाम में क्या करते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उनको सर्वनाम बोलते हैं। मैं मुझे आपको हिंदी का क्रैश कोर्स बना करके देना है। प्रोनाउंस क्या होते हैं जो नाउन के स्थान पर आते हैं, ठीक है। द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर प्रोनाउंस, बस सिंपल सा खेल यहीं पर खत्म होता है, डेफिनेशन का यूसेज पर आ जाते हैं, ठीक है। हमेशा नाउन की जगह लेगा ये, ठीक है, हमेशा क्या है नाउन की जगह ले लेगा। एग्जाम्पल क्या है, ही शी इट दे, इनका वर्गीकरण अभी हम देखेंगे। एंटीसीडेंट ये छोटा सा टर्म समझ लीजिए क्या है, ठीक है, हम इसको समझाते हैं। जैसे कोई पर्सन है, इसने कहा कि आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन लक एंड आई फाइंड दैट द हार्डर आई वर्क द मोर आई हैव इट। कोई पर्सन की तस्वीर बनी है हुई है ये, इनका कहना है कि वो मैं लक में बहुत बिलीव करता हूँ, ठीक है, और जितना मैं कठिन परिश्रम करता हूँ उतना ही लक मेरे पास होता है। तो यहाँ पर आप कभी बता नहीं पाओगे कि ये किसने कहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एंटीसीडेंट नहीं दिया है, एंटीसीडेंट मैंने आपको नहीं दिया है, कहीं भी कोई हिंट नहीं दी है कि ये व्यक्ति कौन है, बस आपको इतना पता है कि इन्होंने ये चीज़ बोली है, ठीक है। एंटीसीडेंट यही होता है कि एंटीसीडेंट का मतलब है कि मैं आपको पहले से बताऊं या फिर मैं पहले से आपको उस नाउन को बताऊं जो बाद में ये पर्सन अपने लिए यूज़ करेंगे, आई के फॉर्म में, फिर आई के फॉर्म में, फिर आई के फॉर्म में और फिर आई के फॉर्म में, ठीक है। तो नाउन ने प्रोनाउन किस नाउन की जगह लेता है वही होता है एंटीसीडेंट, समझ गए होंगे आप। अब मैं और क्लियर कर देता हूँ आपको, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि थॉमस जेफरसन वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ US, ही सेड आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन लक एंड आई फाइंड दैट द हार्डर आई वर्क द मोर आई हैव इट। अब मैंने यहाँ पर पहली लाइन में, ठीक है, इस लाइन के आने से पहले इस लाइन में आपको बता दिया कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, थॉमस जेफरसन के बारे में जो कि तीसरे प्रेसिडेंट है US के। अब आप बता ले जाएंगे, अब मैं आपसे पूछूं कि ये सेंटेंस किसने बोला तो आप कहेंगे थॉमस जेफरसन, क्योंकि मैंने ही तो बताया था। तो मैंने क्या किया, तो थॉमस जेफरसन इस सेंटेंस में क्या है, ये है एंटीसीडेंट, थॉमस जेफरसन नाउन है इस प्रोनाउन के लिए और वैसे क्या है एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट वही है जिसके लिए बाद में प्रोनाउन यूज किया जाता है सेंटेंसेस में, ठीक है, समझ गए आप। यहां से कुछ लोग अगर ये समझ रहे हैं कि प्रोनाउन को आने के लिए एंटीसीडेंट का होना जरूरी है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बिना एंटीसीडेंट के यानी कि बिना प्रीवियस नाउन के ही आगे के सेंटेंस में प्रोनाउन या फिर सबसे पहले सेंटेंस में प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, यानी कि सारे प्रोनाउन के पास अपना अपना एंटीसीडेंट या फिर नाउन हो जरूरी नहीं है। हमको पता भी नहीं होता हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं लेकिन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, समवन ब्रोक माई वेस, किसी ने मेरा गुलदस्ता तोड़ दिया, समवन ब्रोक माई वेस, मुझे नहीं पता किसने तोड़ा ना मैं नाम ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ किसी ने तोड़ दिया, तो ये समवन क्या है, प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है और इसके पीछे कोई एंटीसीडेंट नहीं है, एंटीसीडेंट है ही नहीं, एंटीसीडेंट इज मिसिंग क्योंकि पता ही नहीं किसने तोड़ा, ठीक है। तो ये है कि प्रोनाउन के लिए एंटीसीडेंट होना कोई कंपलसरी नहीं है, समझ गए होंगे आप। मॉम समवन ब्रोक योर वेस, ठीक है, समवन, तो इसका मतलब इसका भी हमको नाउन या एंटीसीडेंट नहीं पता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स की, टाइप समझना इसलिए जरूरी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, अभी आपको ये सब हलवा लग रहा होगा लेकिन जब मैं यूज करूंगा एक्टिव पैसिव में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में तब आपको दिक्कत होगी, ठीक है, इस वजह से इसको स्किप मत करिएगा जो भी लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूसली देखते रहिए आप लोग। थोड़ा सा बोरिंग थोड़ा सा लेंदी लग सकता है लेकिन आपको नरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है, नरेशन में जैसे जैसे कन्वर्जन बताने लगूंगा आप वैसे वैसे करते चले जाओगे। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि इसका नाम है पर्सनल, पर्सनल चीज़ें हम जानते हैं, पर्सनल चीज़ों को हम बहुत सुरक्षित रखते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है कि जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं या फिर कोई पर्सन जो अपने लिए यूज़ करेगा, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई मी वी यू शी हर ही हिम दे देम, ठीक है। जब भी इन प्रोनाउन के यूज़ करेंगे तो हम ये जान सकते हैं कि पर्सन कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, पर्सन का नंबर क्या है यानी कि वो एक पर्सन है कि दो पर्सन है, पर्सन का जेंडर क्या है, पर्सन का जेंडर मैस्कुलिन है फेमिनिन है कि न्यूटर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शी जो है ये थर्ड पर्सन है हम बता सकते हैं, ये सिंगुलर है ये भी बता सकते हैं और ये एक फीमेल है या फेमिनिन है ये भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर वी लिखा हो तो हम बता सकते हैं कि वी है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन और ये प्लूरल है और इसका जेंडर न्यूटर है, ये सब हम बता सकते हैं। अभी हम इसका चार्ट दिखाएंगे आपको, याद करने पड़ेगा आपको और वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए याद करना बेहद ज़रूरी है।
उससे पहले अगले टाइप पर आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये रिलेटिव क्लॉजेस में यूज किया जाता है, ठीक है, डिपेंडेंट एडजेक्टिव क्लॉजेस में। अब एडजेक्टिव हमने नहीं पढ़ा है तो हम इसको छोड़ रहे हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेस जब पढ़ाएंगे आपको और भी समझ में आएगा आपको। अभी प्रोनाउन का प्रोनाउन में ही खत्म करते चलिए। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु है, हुम है, हुज है, दैट है, विच है, और इसका यूज सेंटेंस में होगा जब हम रिकॉल करते हैं किसी चीज़ को या फिर किसी चीज़ की तरफ इंडिकेशन करते हैं, ठीक है। अभी इतना समझिए, जब एडजेक्टिव पर आएंगे तो और अच्छे से सब समझ पाएंगे। दिस इज द कुकी दैट आई वॉन्ट टू ईट, ठीक है। जो ये जो दैट है ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये दैट किसके बारे में बात कर रहा है, कुकी के बारे में बात कर रहा है। कुकी क्या है, नाउन है, ठीक है, ये है यहाँ पर। सो रिलेटिव क्लॉजेस आपको और समझ में आएगा एडजेक्टिव में, अभी इसका फंक्शन आप समझ गए होंगे। नाउन की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, या नाउन से हमको परिचित करवा रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबसे पहले चार होते हैं खाली, वही आपको याद रखने, दिस दैट दीज दीज, ठीक है, दिस दैट दीज दोस, और हम इनको किसी पर्टिकुलर थिंग या पीपल की तरफ पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और पीपल और थिंग हमने पढ़ाई हुआ है क्या होता है, पीपल और थिंग नाउन होता है, यानी कि नाउन की तरफ पॉइंट करने के लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे, नाउन की तरफ उंगली दिखाने के लिए, इशारा करने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इतना समझिए आप सिंपल सरल लैंग्वेज में, ठीक है। कभी कभी आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी दिस दैट दीज दोस को नाउन के पहले यूज करेंगे, ठीक है, बाद में नहीं। उस केसेस में एडजेक्टिव का काम करेंगे। एडजेक्टिव का काम कब करेंगे, ये हम एडजेक्टिव में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे कि एडजेक्टिव जो है डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, एडजेक्टिव में पढ़ा जाएगा। अभी आप समझिए कि हम कैसे जो है नाउन की तरफ इंडिकेट करते हैं इससे। जैसे अगर मैं बोलूँ, इसको अभी स्किप करिए, ठीक है, इसको भूल जाइए अभी, ब्रिंग मी दैट, अगर मैं बोलूँ ब्रिंग मी दैट तो इसका मतलब है कि मैं किसी रखी हुई चीज़ की तरफ बोल रहा हूँ कि वो मुझे ले आओ, वो चीज़ मुझे ले आओ। वो पता नहीं है, मतलब अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं पता, मैं किसी से बोलूँगा ब्रिंग मी दैट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस है। ब्रिंग मी दैट का मतलब है वो जो चीज़ रखी हुई है, वो जो थिंग रखी हुई है वो मुझे ले आओ, ठीक है। तो हमने किसकी तरफ इशारा किया, नाउन की तरफ, ठीक है, और हमने क्या यूज़ किया, दैट। तो ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन का क्या मतलब है कि डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, हमें पता ही नहीं होता कि हम किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव में पता होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, इनडेफिनेट में पता ही नहीं होता कि किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ समवन येल्ड माई नेम, यानी कि चिल्लाना, कोई मेरा नाम पुकारा, कोई किसी ने मेरा नाम लेकर चिल्लाया, तो मैंने बोला किसी ने। अब मैं कोई मुझसे पूछे कि किसने, तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। यानी इनडेफिनेट प्रोनाउन के जरिए मैंने किसी की तरफ इशारा किया, किसी व्यक्ति की तरफ, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ नहीं, किसी व्यक्ति की तरफ। एवरीवन लुक्ड एट मी, यानी कि सबने मुझे देखा, किन किन लोगों ने देखा ये हम नहीं बता सकते हैं। तो यही होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन में आपको पता ना हो कि आप किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो होते हैं, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह अगर ये नाउन से पहले यूज होंगे तो ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, बोथ स्माइल्ड एट मी, बोथ स्माइल्ड एट मी, तो ये यहाँ पर प्रोनाउन है। लेकिन अगर बोथ पीपल स्माइल्ड एट मी है तो ये पीपल की विशेषता बता रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करने लगा। एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे तो और भी आपको समझ में आएगा इसके बारे में। अभी आप समझिए कि बोथ स्माइल्ड एट मी में ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन आप समझ लीजिए, इनका यूज़ कम है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये हमेशा सेल्फ या सेल्फ्स में खत्म होते हैं, इनकी पहचान है, ठीक है। सेल्फ्स या सेल्फ जहाँ पर भी होगा आप आंख बंद करके उसको बोल देना कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन है। इंटेंसिव थोड़ा सा ही अलग होता है रिफ्लेक्सिव से। जो वर्ड जो है डिफरेंट नेम्स के हैं और इनका कैसे यूज़ होना है, इस वजह से अलग है दोनों, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव। रिफ्लेक्सिव को आप समझिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होती है जो सब्जेक्ट के लिए यूज़ करी जाती है। सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट होगा उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ की जाएगी, ठीक है। जैसे आई विल गो टू द स्कूल माई सेल्फ, तो इसमें सब्जेक्ट के लिए है माई सेल्फ, यानी कि मैं स्कूल स्वयं जाऊँगा, तो आई ने यानी सब्जेक्ट ने ये माई सेल्फ खुद के लिए लिया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद के लिए लिया, ठीक है। जबकि इंटेंसिव प्रोनाउन क्या करता है कि ये किसी भी दूसरी नाउन को या प्रोनाउन को जो भी सेंटेंस में रही हो प्रीवियसली उसको इम्फेसाइज करने के लिए होता है। जैसे ही हिमसेल्फ विजिटेड द स्कूल, ठीक है, ही हिमसेल्फ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखता ही विजिटेड द स्कूल, हिमसेल्फ को हटा देता बिल्कुल, तो भी इसका कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है।
सेंटेंस में कोई ऐसा तहलका नहीं मचने वाला था। ही विजिटेड द स्कूल, तो सिंपल ये वही बात होती, ठीक है। ही विजिटेड द स्कूल में भी वही बात होती और ही विजिटेड द स्कूल हिमसेल्फ में भी वही बात होती, बस हमने यहाँ पर ही पर जोर दे दिया कि हाँ हाँ उसी ने, हाँ हाँ वही स्कूल गया, ठीक है। ही विजिटेड द स्कूल हिमसेल्फ, वो खुद ब खुद स्कूल गया, ठीक है। तो खाली इंटेंसिफाई करने के लिए है और इसका कोई इतना रोल नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा किसके आएगी, सब्जेक्ट के लिए आएगी। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कब होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है क्वेश्चन में, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताएंगे आपको, तो उसमें जो आपके, वैसे आपको बता देते हैं सिंपली, आपको ये तो पता ही होगा कि वाई का यूज़ होता है इंग्लिश में, विच का यूज़ होता है, हु का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिनका हम क्वेश्चन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वॉट, हुम, हुज, हु, विच, ये सारे होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु स्टोल द कुकी फ्रॉम द कुकी जार, ये बिस्कुट के डिब्बे से बिस्कुट किसने पार किया, तो हम इसमें हु लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच जैकेट शुड आई वियर, हमको कौन सी जैकेट पहननी चाहिए शादी में, तो विच जैकेट, तो ये है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन आपको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको इसी चार्ट में बस याद करना है, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में कब आएगा, नाउन के फॉर्म में कब रहेगा, ठीक है। और ये पर्सनल प्रोनाउंस आपके पजेसिव डिटरमाइनर्स और पजेसिव प्रोनाउंस, इनके क्या क्या हैं, ये आपको बिल्कुल याद होना ज़रूरी है। इनका यूज़ आप देखोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ज़्यादा है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में इसका बिल्कुल यूज़ है और इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे, ये मान के चलिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, इतना आपको याद करना है, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं जी इसमें, ये भी मान लीजिए कि आप याद कर लें, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस में, ठीक है, ये प्रोनाउन है, तो ये क्या रहेगा, ये मी बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज करते हैं आपके एक्टिव पैसिव में, उसमें भी यूज़ है इसका, ठीक है। यू जो रहता है सब्जेक्टिव केस में या फिर नॉमिनेटिव केस में, ये यू ही रहता है, ये चेंज नहीं होता, लेकिन जब ये एडजेक्टिव के फॉर्म में आता है, पजेसिव डिटरमाइनर के फॉर्म में, तब योर बनता है, और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में आता है तो योर्स बनता है। ही हिम बनता है ऑब्जेक्टिव केस में, एडजेक्टिव केस में हिज बनता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन केस में भी हिज रहता है। शी हर बन जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजिटिव डिटरमाइनर के फॉर्म में हर बनता है, और नाउन के फॉर्म में हर्स बनता है, ठीक है। इट का इट ही रहता है, इट्स बन जाता है, और इट्स बन जाता है एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के फॉर्म में, ठीक है। इट हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, और ही भी थर्ड पर्सन है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। वी भी हमारा सेकंड पर्सन में आएगा, दे आएगा थर्ड पर्सन में। जैसे वी हैव सम बुक्स है, हम इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाना चाहें तो ये होगा द बुक्स आर फॉर अस, ठीक है। वी का क्या बनता है, अस बनता है, और इसको पजेसिव डिटरमाइनर फॉर्म में लाएंगे तो लाएंगे दीज आर आर बुक्स, और इसको पजेसिव प्रोनाउन के केस में लाएंगे तो दीज बुक्स आर आर्स बनेगा। ये लास्ट वाला सेंटेंस अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आपको ये पूरे केस याद रहेंगे, ठीक है। ये सारे केस आपको याद रहेंगे इससे, इस वाले सेंटेंस से। नाउन प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव पर आ जाते हैं, जनरली लोग वर्ब पढ़ाते हैं इसके बाद, लेकिन हम एडजेक्टिव पढ़ाएंगे आपको, जिससे सारी इंटर रिलेटेड चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएं आपके, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव हमको पर्सन और थिंग के बारे में बताता है। पर्सन और थिंग क्या चीज़ें हैं, हम पढ़ ही चुके हैं, पर्सन और थिंग नाउन होते हैं, तो हमको ये नाउन के बारे में बताता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव करते क्या हैं, एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं नाउन को, और नाउन के स्थान पर आने वाली हर चीज़ को, यानी प्रोनाउन को भी, ठीक है। और लिटरली किसको, पर्सन और थिंग को, जितना कह रहे हैं उतना समझते जाइए, समझना बेहद आसान है, ठीक। एडजेक्टिव मॉडिफाई करेंगे नाउन को, नाउन के आने वाली सब चीज़ों को, यानी कि प्रोनाउन को भी, ठीक है। मैंडी इज़ अ केयरफुल गर्ल, दिस इज नाइस कार, मैंडी इज केयरफुल, द गर्ल इज नाइस, शी इज केयरफुल, इट इज़ नाइस। अभी ये सब जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये चिलबुलवा क्यों हैं, अभी बताते हैं आपको। एडजेक्टिव की पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं, एडजेक्टिव की पोजीशन क्या रहनी चाहिए, क्या नाउन के पहले लगता है, क्या नाउन के बाद में लगता है, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है, तो मैं बता दूं आपको, ये नाउन के पहले भी लग सकता है करेक्ट, और नाउन के बाद में भी लग सकता है करेक्ट, आफ्टर एंड बिफोर दोनों करेक्ट है, तो यही यहाँ पर बताया गया है दोनों तरह के सेंटेंसेस में। जैसे अगर मैं कहूँ मैंडी इज़ अ केयरफुल गर्ल, केयरफुल क्या है, एडजेक्टिव है, किसके बारे में बता रहा है, नाउन गर्ल के बारे में। यहीं पर अगर हम देखें दिस इज़ नाइस कार, ठीक है,
तो इसमें ये नाइस क्या है, एडजेक्टिव है, किसके बारे में बता रहा है, नाउन कार के बारे में। मैंडी इज केयरफुल, तो ये किसके बारे में बता रहा है, मैंडी के बारे में। इस बार ये नाउन के पहले नहीं, नाउन के बाद में लगाया है। तो मैंडी यहाँ पर क्या नाउन है और एडजेक्टिव क्या है, केयरफुल है। दिस कार इज नाइस, तो यहाँ पर एडजेक्टिव अब बाद में लगा है, नाउन पहले है, ये नाउन है, ये नाउन है कार, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो अब देखोगे कोई फिक्स पोजीशन ऐसी नहीं है, बाद में भी आ सकता है नाउन के पहले भी आ सकता है, कोई कंपल्सन नहीं है कि एडजेक्टिव कहाँ पर आएगा सेंटेंस में, ठीक है। एडजेक्टिव जब वर्ब की बी फॉर्म के बाद आता है तो वो होता है उसका प्रेडिकेटिव पोजीशन। ये चाहें तो याद कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि ये इसके बाद भी आ सकता है एडजेक्टिव, ठीक है, और नाउन के पहले भी आ सकता है, ये कहने का मतलब है हमारा। एडजेक्टिव ये वर्ब के बाद भी आ सकते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव वर्ब के बाद भी आ सकते हैं। जैसे फील है, ये वर्ब है, वर्ब अभी बता देते हैं, वर्ब का पूरा चैप्टर है। वर्ब का मतलब होता है एक्शंस, वो वर्ड जो एक्शन शो करते हैं, एक्शंस के बारे में बताते हैं, यानी कार्य होने के बारे में बताते हैं, ठीक है, या क्रियाशीलता के बारे में बताते हैं, वो है वर्ब यानी कि क्रिया। काम होने की बात जो शब्द बता देंगे वो हो जाएंगे क्रिया, यानी कि इंग्लिश में वर्ब्स। वर्ब में आर साइलेंट रहता है, ठीक है, कहीं भी हम वर्ब नहीं पढ़ते हैं, हम वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब, आर को नहीं बोलते हैं मुंह से। तो लुक्स के बाद भी एडजेक्टिव आ सकता है, तो जो जो यहाँ पर हरे से लिखे हुए हैं वो क्या है, एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव इसलिए हैं क्योंकि नाउन के बारे में बता रहे हैं। नाउन कौन कौन से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो हरे से लिखा है वो एडजेक्टिव है, जो मैंने यहाँ पर गुलाबी से अंडरलाइन किया है या फिर हाईलाइट किया है वो नाउन है या फिर प्रोनाउन है। हमने बताया आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई करते हैं ना, जैसे यहाँ पर आप देखोगे आई शी इट, ठीक है, आई शी इट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है, प्रोनाउन है। आ किसके स्थान पर रहे, नाउन के फॉर्म में, तो नाउन और प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। सिंपल, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज फैंटास्टिक, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव आ गए हैं, ठीक है। बड़ा सवाल ये है कि क्या बिना नाउन के एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने बताया कि नाउन के पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद में भी आ सकता है, क्या बिना नाउन के एडजेक्टिव आ सकता है, तो यस बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल द के साथ आएगा, ठीक है, द रिच जब हम लोग लिखेंगे तो इसका मतलब बनेगा रिच पीपल, ठीक है। तो ये जब भी डेफिनेट आर्टिकल जो है द के साथ आ जाएगा ये एडजेक्टिव, तो ये आ सकता है, ठीक है। द कोई नाउन नहीं है, क्या ये डेफिनेट आर्टिकल है, लेकिन इसके साथ में रिच लिखा तो इसका मतलब हो गया रिच पीपल। एक ये मैंने नेट से लिया है, इसमें लिखा है द गुड मस्ट बी पुट इन द डिश, द बैड यू मे ईट इफ़ यू विश। ये एक प्रॉवर्ब है या फिर कह सकते हैं कहानी का हिस्सा है। इसमें ये है द गुड, ये देखिए आप, इसको अंडरलाइन किया मैंने और ये अंडरलाइन किया द बैड, द गुड। यहाँ पर द गुड का मतलब क्या है, द, वैसे देखिए आप अभी ध्यान से, ये क्या है, आर्टिकल है द, ये क्या है, आर्टिकल है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये क्या है, आर्टिकल है, ये है एडजेक्टिव। आर्टिकल एडजेक्टिव मिलकर एक कमाल का काम करेंगे, ये यहाँ पर नाउन बना देंगे। द गुड का मतलब है गुड फूड और द बैड का मतलब है यहाँ पर बैड फूड। सिंपल, द गुड से यहाँ पर मतलब ही है द गुड फूड, यहाँ पर लिखा है ना, देखिए द गुड मस्ट बी पुट इन द डिश, यानी कि डिश में आप अच्छा अच्छा डालिए, अच्छा खाना। अगर खराब खाना, अगर आपको विश है, अगर आपकी इच्छा है तो आप खा सकते हैं, ठीक है। तो द गुड हमने बना दिया इसके हिसाब से गुड फूड और द बैड बैड फूड, सिंपल। तो बिना नाउन के भी एडजेक्टिव आ सकता है, बहुत आसान है, बिना नाउन के भी एडजेक्टिव आ सकता है। क्या दो एडजेक्टिव एक साथ यूज़ हो सकते हैं, अगर इस सवाल का जवाब मैं कहूँ तो हाँ है, एडजेक्टिव जो है ये दो एक साथ आ सकते हैं एक नाउन के लिए। जैसे कैट नाउन है, कैट नाउन है एक प्रॉपर नाउन, उसके लिए दो एडजेक्टिव हमने लिए हैं, पहला है फैट और दूसरा है ओल्ड। तो दोनों ही एडजेक्टिव विशेषता बता रहे हैं नाउन यानी कि कैट की, कैट फैट भी है ओल्ड भी है, एक ही समय पर फैट भी है और ओल्ड भी है। हम तीन एडजेक्टिव नाउन के साथ लगा सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। चार लगाते हैं तो थोड़ा सा बिहेवियर बदल जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कभी भी आप इंग्लिश लिखें या बोलें, आप ज़्यादा से ज़्यादा तीन एडजेक्टिव ही यूज़ करें एक सेंटेंस में एक नाउन के लिए, ठीक है। जैसे कोल्ड, वेट और विंडी, ठीक है, हमने किसके लिए यूज़ किया, इट के लिए। तीन एडजेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है। तो दो आपने हमने तीनों एडजेक्टिव नाउन के बाद में लगा दिए और यहाँ पर नाउन के पहले लगा दिए, मतलब प्रोनाउन के बाद में लगा दिए यहाँ पर और यहाँ पर नाउन के पहले लगा दिए दोनों, तो कोई पोजीशन ऐसी फिक्स नहीं है।
अगर हम दो एडजेक्टिव जो है यूज़ कर सकते हैं नाउन के लिए भी और नाउन के लिए भी, ये बात हमको समझ में आ गई। एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव पैसिव में थोड़ा सा यूज़ इसका हो सकता है। तीन डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। जो नॉर्मल डिग्री होती है, जैसे क्लीन है ये एडजेक्टिव है तो इसकी पॉजिटिव डिग्री है, अगर हम इसको क्लीनर लिख दें तो इसकी कंपेरेटिव डिग्री है, अगर क्लीनेस्ट लिख दें तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। ER और EST लगाकर नॉर्मली बनाते हैं, क्लीनर क्लीन, क्लीनर क्लीनेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ आपको याद भी करने पड़ सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ये रूल नहीं फॉलो करते हैं, ER और ES वाला, यहाँ पर तो ER ES लगा के क्लीन के साथ काम बन गया, या EST लगा के, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इनके साथ नहीं बनता है। पॉजिटिव डिग्री गुड की होती है बेटर, और सुपरलेटिव होती है बेस्ट, बैड की होती है वर्स, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव होती है वर्स्ट, मच की होती है मोर और सुपरलेटिव होती है मोस्ट। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करे जाते हैं। मैनी की कंपेरेटिव डिग्री होती है मोर और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट, और ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करे जाते हैं। लिटिल, लेस, लीस्ट, लिटिल का कंपेरेटिव है लेस और सुपरलेटिव है लीस्ट, स्मॉल का कंपेरेटिव है स्मॉलर और इसका है स्मॉलेस्ट। तो ये तो नॉर्मल रूल इसने फॉलो किया, ER और EST वाला। अब हम एडवर्ब के बारे में बात कर लेते हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या क्या समानताएं या असमानताएं हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आगे। एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण, विशेषण का मतलब क्या होता है? जो विशेषता बताता है संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण है तो क्रिया की विशेषता बताएगा, कैसे कार्य हो रहा है, कार्य होने का मैनर क्या है, वही बताएगा आपका वर्ब। सिंपल सी डेफिनेशन ये है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों अलग क्यों हैं, इनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। एडजेक्टिव के बारे में बताया, ये पर्सन और थिंग के बारे में बताएगा। पर्सन और थिंग क्या होता है? नाउन होता है, यानी कि नाउन के बारे में बताता है। बारे में वर्ड इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है। नाउन के बारे में जो चीज़ बताएगी वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं इसको, ये एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं, डी यहाँ पर साइलेंट रहता है, ठीक है। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब बताता है हमको कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, कोई चीज़ कैसे हो रही है, यानी कि कार्य होने का मैनर क्या है ये बताता है। मैनर ऑफ एक्शन कह सकते हैं हम लोग, मैनर ऑफ एक्शन, वर्ब कैसे हो रही है ये बताता है हमको। तो बस यही अंतर है, नाउन के बारे में चीज़ बताएगी, जो एडजेक्टिव जो मैनर ऑफ एक्शन या वर्ब कैसे हो रही है उसके बारे में बताएगी, वो होता है एडवर्ब। बहुत सिंपल है, और यहाँ पर अच्छे अच्छे कलरफुल सेंटेंस बनाए हमने। मैंडी इज़ अ केयरफुल गर्ल, यहाँ पर केयरफुल क्या है? एडजेक्टिव है। शी इज़ वेरी केयरफुल, ये क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन मैंडी ड्राइव्स केयरफुली, केयरफुली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। केयरफुली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। शी ड्राइव्स केयरफुली, ये क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों हुआ, एडजेक्टिव क्यों नहीं हुआ, बताते हैं आपको। क्या LY लगाए खाली इसलिए? नहीं, पहला सेंटेंस जो है जब मैंडी वाला है, मैंडी इज़ अ केयरफुल गर्ल, ये केयरफुल जो है ये मैंडी की विशेषता बता रहा है, जबकि केयरफुली जो है ये ड्राइव्स की विशेषता बता रहा है, कि यानी कि कार कैसे चलाई जा रही है या फिर ड्राइविंग कैसी हो रही है। और शी ड्राइव्स केयरफुली, यानी कि शी ये ड्राइव कैसी हो रही है इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। वो कैसे ड्राइव करती है इस बारे में बताया जा रहा है। मैंडी इज़ अ केयरफुल ड्राइवर, ठीक है, ये मैंडी के बारे में सेंटेंस है, तो ये एडजेक्टिव है इस समय केयरफुल, लेकिन यहाँ पर ड्राइविंग के बारे में बताया जा रहा है, तो केयरफुली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। बस ये अंतर है यहाँ पर। एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना काफ़ी आसान है, हम लोग LY लगा देते हैं एडजेक्टिव के आगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एडवर्ब बन जाती है, ठीक है। जैसे डेंजरस के आगे LY लगा दीजिए, डेंजरसली बन जाएगी। केयरफुल के आगे लगा दीजिए, केयरफुली बन जाएगी। नाइस के आगे लगा दीजिए, LY नाइसली बन जाएगी। हॉरिबल के आगे लगा दीजिए, हॉरिबली बन जाएगी। ईजी के आगे लगा दीजिए, ईजिली बन जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक के आगे लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉनिकली बन जाएगी। स्पेसिफिक के आगे लगा दीजिए तो स्पेसिफिकली बन जाएगी। इनिशियल के आगे लगा दीजिए तो इनिशियली बन जाएगी। LY ज़्यादातर में लग जाता है, लेकिन जो एडजेक्टिव है उसका एडवर्ब, जैसे इरेगुलर फॉर्म्स में, जैसे गुड का क्या एडवर्ब होता है? वेल होता है, गुडली नहीं होता है। फास्ट का फास्टली नहीं होता है, फास्ट होता है। और हार्ड का हार्ड ही रहता है, हार्डली नहीं, हार्डली हो जाता है लेकिन हार्ड भी होता है, ठीक है। अब सारे के सारे जो हैं LY से नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव जो है, अगर फ्रेंडली एडजेक्टिव है तो उसका आप दोबारा LY नहीं लगा देंगे, यानी कि अगली का अगली नहीं बना देंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है।
फ्रेंडली अगर हमारा एडजेक्टिव है, हमको एडवर्ब इसको लाना भी है, तो हम इसको इन्हीं फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। एली, बुली, इटली, मिलनकली, मिलनकली, इन सभी का भी एलवाई वाला एडवर्ब नहीं बनता है। अप्लाई, रिलाई, सप्लाई, ये वर्ब हैं, इनका भी एलवाई वाला एडवर्ब नहीं बनता है, ठीक है। एडवर्ब का यूज़ क्या होता है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ एडवर्ब? एडवर्ब वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, क्रियाओं को मॉडिफाई करते हैं। एडजेक्टिव किसको कर रहा था, खाली नाउन को, प्रोनाउन को। एडजेक्टिव और ये एडवर्ब क्या करते हैं, ये वर्ब्स को भी कर सकते हैं मॉडिफाई। जैसे कि द हैंडबॉल प्लेड बैडली, किसको मॉडिफाई किया, प्लेड को। प्लेड क्या है, वर्ब है। उसी प्रकार से एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, इट वॉज एन एक्सट्रीमली बैड मैच। बैड क्या है, एडजेक्टिव है, और एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब है। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है, बैड को। कौन कर रहा है एक्सट्रीमली, तो आपने देखा कि ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। एडवर्ब्स एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें, द हैंडबॉल टीम प्लेड एक्सट्रीमली बैडली लास्ट वीक, तो एक्सट्रीमली जो है ये एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, बैडली को, ठीक है। ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। क्वांटिटीज को मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब्स, जैसे कि देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल। लॉट ऑफ पीपल क्या है, क्वांटिटी है, क्वाइट क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब। अनफॉर्चुनेटली ये सेंटेंसेस को पूरा मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस है, इसको मॉडिफाई कर रहा है एक एडवर्ब अनफॉर्चुनेटली। तो आपने देखा, पूरे पूरे सेंटेंसेस को मॉडिफाई कर सकता है, क्वांटिटीज को कर सकता है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को कर सकता है, एडजेक्टिव्स को करता है, और वर्ब्स को तो करता ही है। ये काम होते हैं एडवर्ब्स के। एडवर्ब्स के टाइप्स देख लेते हैं। एडवर्ब्स आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव से डिफरेंट जब होंगे, ठीक है। सेंटेंस में मान लीजिए कोई आपको अंडरलाइन करके दे दिया, आपको अच्छे से पता लगाना आना चाहिए कि वो उस सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा है कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वहाँ गाड़ी फंस सकती है, आप अपना एक क्वेश्चन वहाँ पर गलत कर सकते हैं। आप करेंगे नहीं इस वीडियो को देखने के बाद। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं क्विकली और काइंडली, यानी कि किस तरीके से क्रिया हो रही है, किस तरीके से, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी कि कितने, कैसी क्रिया हो रही है, कितनी हो रही है, डिग्री क्या है उसकी, उसकी इंटेंसिटी क्या है, वेरी रेदर, ठीक है, वेरी रेदर हो गया। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार हो रही है क्रिया, ऑफन, लगातार, समटाइम्स, कभी कभी। और एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम का एडवर्ब है नाउ, टुडे, यानी अभी और आज। एडवर्ब ऑफ प्लेस है हेयर, यानी यहाँ, और नो वेयर, यानी कि कहीं नहीं। तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइम, इन सबको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब कुछ एडजेक्टिव और एडवर्ब जो कि बिल्कुल सेम होते हैं और अलग अलग फॉर्म में आएंगे, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में, अलग अलग सिचुएशंस में। जैसे क्लोज एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, डेली एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, अर्ली एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, फेयर एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी होता है, फार, फार एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होते हैं, फास्ट और फास्ट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होते हैं, फ्री और फ्री दोनों एडजेक्टिव एडवर्ब हो सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। अब ऐसे एडवर्ब जिनके दो फॉर्म होते हैं, फेयर भी एडवर्ब हो सकता है, फेयरली भी एडवर्ब हो सकता है, फ्री भी एडवर्ब हो सकता है, फ्रीली भी हो सकता है, हाई भी एडवर्ब हो सकता है, हाईली भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, लेटली भी हो सकता है, मोस्ट भी, मोस्टली भी, नियर, नियरली भी, प्रेटी, प्रेटली भी, राइट, राइटली, रॉन्ग, रॉन्गली, ये दोनों एडवर्ब हो सकते हैं अलग अलग सेंटेंस में, ठीक है। ये दोनों ही एडवर्ब हो सकते हैं, और सारे के सारे इधर वाले जो हैं ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, कुछ कुछ, सारे के सारे नहीं, सॉरी, कुछ कुछ यहाँ पर एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका फ्री, ये एडजेक्टिव भी है, मोस्ट ये एडजेक्टिव भी है, हाई ये एडजेक्टिव भी है, प्रेटी ये एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव के बाद हम लोग वर्ब पढ़ लेते हैं, वर्ब क्या है और इसके क्या क्या यूसेज हैं, क्यों इसको जानना जरूरी है। वर्ब बहुत ज़रूरी है, एक्टिव पैसिव में भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी। आइए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वर्ब है क्या, वर्ब एक वर्ड होता है, जैसे कि सारी की सारी चीज़ें पार्ट ऑफ स्पीच की हैं, वर्ड ही होती हैं। कोई एक्शन या स्टेट ऑफ बींग, किसी
एक्शन को, ठीक है, किसी क्रिया को, या फिर होने के भाव में, होने के या अस्तित्व में होने के भाव को जो वर्ड दर्शाएंगे वो वर्ब के होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हमको डेफिनेशन से पता चलता है कि वर्ब के दो कैटेगरी हो सकते हैं, एक तो जो एक्शन बताएगा और एक जो स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा, तो दो इसके कैटेगरी होते हैं ब्रॉड, वैसे तो तीन होते हैं, हम तीसरी कैटेगरी पर आएंगे। दो ब्रॉड कैटेगरी होते हैं, एक्शन वर्ब और स्टेट ऑफ बीइंग। तो एक्शन वर्ब होते हैं और स्टेट ऑफ बीइंग वाले वर्ब होते हैं, इनको नाम दिया जाता है लिंकिंग वर्ब्स। हम लोग जनरली अपनी मतलब इंडियन स्कूल बुक्स में लिंकिंग वर्ब्स नहीं पढ़ते हैं, विदेशी लोगों ने इसको अलग से बताया हुआ है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। लिंकिंग वर्ब्स आप पढ़ेंगे ज़्यादा याद रख पाएंगे। वैसे लोग इसको बी की फॉर्म बता देते हैं, बी की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हम इसको एक लिंकिंग वर्ब की फॉर्म में ही पढ़ते हैं। तो एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स, एक्शन वर्ब एक्शन के बारे में बताएगी, किसी काम के होने के बारे में, और लिंकिंग वर्ब्स बताएगी होने के सेंस में, यानी अस्तित्व में होने के सेंस में। एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स अपने आप में स्ट्रॉन्ग इनफ हैं, इस वजह से ये मेन वर्ब के यूज़ में सेंटेंस में इस्तेमाल की जाती है। मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब क्या हैं ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बताई गई है, हेल्पिंग वर्ब ये सारी हैं, बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीन, बिंग, हैव, हैज, हैड, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, कैन, विल, डू, डिड, डज, हैविंग। इन सभी को प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ये 16 आपको याद भले ही ना हो, लेकिन कहीं पर हैविंग लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है मेन वर्ब को या तो लिंकिंग वर्ब को, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा जो है एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब को हेल्प करती है। कैसे, जैसे यहाँ पर है आई विल प्ले अ पियानो, विल हमने चार्ट में देखा, विल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। ये मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, प्ले, या फिर कहूँ मैं क्या है, एक्शन वर्ब है जो कि काम का होना बता रही है। तो विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, या इसको ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, और ये प्ले क्या है, एक्शन वर्ब है या मेन वर्ब है। एक बार फिर से आई विल बी अ टीचर, तो बी क्या है यहाँ पर, बी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग, और आई विल क्या है यहाँ पर, वी एक बार फिर से हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी है। अब आप कहोगे कि हमने चार्ट में तो देखा है कि बी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर ये बी अकेले आया होता, ठीक है, बी अकेले आया होता, बी अकेले वैसे नहीं आता, ये एम के फॉर्म में आता है, तो होता ये मेन वर्ब, ठीक है, एम होता तो ये होता, लेकिन अभी विल के साथ बी आया है तो बी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं है कि आपको इसी चार्ट में से मिले, ये दो जो हैं जैसे विल और बी हैं तो दोनों ही हमारे चार्ट में एक हेल्पिंग वर्ब, लेकिन विल बी को हेल्प कर रहा है और इसको एक लिंकिंग वर्ब बना रहा है और खुद बन रहा है एक हेल्पिंग वर्ब। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारे हेल्पिंग वर्ब जो हैं ये मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा एक समय पर एक होंगे वो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि दो वर्ब होंगे, दो हेल्पिंग वर्ब होंगे एक सेंटेंस में और दोनों ही मेन वर्ब होंगे, नहीं, एक हेल्पिंग वर्ब होगा, एक मेन वर्ब बनेगा। जैसे कि हम पहले भी आपको बता रहे थे, जैसे आई हैव अ कैट, आप पीछे जाओ, आपने देखा था यहाँ पर हैव है तो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सेंटेंस में जिस हिसाब से आया है, जैसे यहाँ पर आया आई हैव अ कैट के फॉर्म में, तो आई हैव यहाँ पर अब एक एक्शन वर्ब है, ना कि एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे आई हैव बीन रीडिंग अ बुक आया है, तो हैव अब यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब यहाँ पर है बीन रीडिंग, बीन रीडिंग है। उसी प्रकार से जैसे आई एम ए टीचर है, तो एम यहाँ पर एक है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अब किस फॉर्म में आ रहा है, मेन वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब के फॉर्म में। आई एम कुकिंग डिनर फॉर माई फैमिली, अब यहाँ पर एम एक हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आ रहा है, ना कि मेन वर्ब के फॉर्म में। मेन वर्ब है यहाँ पर क्या, कुकिंग, कुकिंग क्या है, ये मेन वर्ब है। आई होप आपको मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब समझ में आया होगा, ठीक है। ये बहुत सही से मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे आई एम ए टीचर, तो ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर होने की बात आ रही है, स्टेट ऑफ बींग की बात हो रही है, टीचर अस्तित्व में है, मैं टीचर हूँ, यहाँ पर होने की बात हो रही है, तो ये एक लिंकिंग वर्ब है। जबकि यहाँ पर आई एम जो है ये हेल्प कर रहा है इस मेन वर्ब को जो कि कुकिंग है, ठीक है, तब ये हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में है, लिंकिंग वर्ब के फॉर्म में नहीं है।
इस वजह से। आई होप आपको समझ में आया होगा।